साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें, एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है, तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी समियल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नीयत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।